माय स्टडीज। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को लेकर के निकले थे, मेरे सारे जानने वाले बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग डिमोटिवेट करते थे ये बिजनेस तो न करें, और सिचुएशन ऐसा था, चैलेंजेस खूब आए दोस्तों, चैलेंजेस खूब आए। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट होता है टीम बिल्डिंग का समय। उस समय हमारे पास इनकम नहीं रहेगा, सेविंग नहीं रहेगा, और हमारे पास कमियां ही होगा, बहुत मेहनत भी होगा दोस्तों, बहुत मेहनत भी होगा, और आप उस समय टिकेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब मेरे जेब में 10 रुपया नहीं होता था, उस समय हर रोज में तकरीबन कम से कम 25 किलोमीटर के ऊपर मैं पैदल ये बिजनेस के लिए काम किया है, अपने लिए काम किया है। दैट्स द रीजन आई एम अ डायमंड एग्जीक्यूटिव। मैंने भी सैक्रिफाइस खूब किए हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना, हर त्योहार में भाग लेना, हर कुछ पसंद करते थे, लेकिन ऐसे समय था, एक टीवी भी एक प्रोग्राम तक देखने का वक्त मुझे नहीं मिला, सालों तक चाहने के बावजूद भी एक मूवी तक देखने का वक्त नहीं मिला, डे नाइट भागने का था, दुनिया उल्टे बोलते थे और हमें मान सम्मान नहीं मिलते थे। लेकिन आज ये देखिए, और आने वाला कल को क्या होगा, वी विल बी सेलिब्रिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो डाउट। मैं ये बिजनेस में आया था एक सपना लेकर के, खुद के लिए एक टू व्हीलर खरीदना है। आज मैं एक BMW GL Mercedes Benz GLS 350 की गाड़ी भी चला रहा हूं, और मुझे बहुत खुशी इस बात को बताने के लिए, मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे टीम के अंदर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर ड्राइविंग सुपर लग्जरी कार्स। अब इसी स्टेज में ही कितना लोगों ने बताया अपने अपने नए गाड़ियों के बारे में। अब एक बार सोच के देखिए दोस्तों, ये बिजनेस का खाली अब शुरुआत है। एक समय ऐसा था मेरे साथ, मैं तड़पता था, एक छोटा सा घर चाहिए, मेरे घर में बहुत सारे जरूरतें हैं, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थे, बिजनेस लॉस में है, पापा कुछ भी नहीं कर पा रहे, एज बढ़ रहे थे, क्या करेंगे। और उस समय मैंने अपना जी जान लगाया बिजनेस के लिए। मैं आज आपको बता दूं, टुडे आई एम, माई न्यू होम इज रेडी इन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉलोनी, अगर उसको पूरी तरीके से देखा जाए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलोनी इन द वर्ल्ड। अगर एक घर होना, एक नॉर्मल आदमी सपना देखेगा तो भी नॉर्मली पॉसिबल ही हो सकता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से इसलिए पॉसिबल हुआ था, इट इज द बिजनेस फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंस्पायरिंग अचीवमेंट्स, एंड यू आर विथ माय लाइफ स्टाइल बिजनेस। ये बस खाली अपना शुरुआत है दोस्तों, ये बस अपना शुरुआत है, और आने वाले समय पे आप भी ये बोलेंगे, मैं भी ये बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे आई वॉज देयर इन केरला, डे बिफोर यस्टरडे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज देयर इन अनदर सिटी, बट आने वाले समय में ये सिचुएशन होगा, टुडे आई एम इन इंडिया, टुमोरो आई एम इन बांग्लादेश, द नेक्स्ट डे आई विल बी इन UAE, अनदर डे मे बी आई विल बी इन मलेशिया और थाईलैंड और एनी अदर कंट्री लाइक इंडोनेशिया। व्हाई? बिकॉज द बिजनेस इज रेडी एंड ओपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंपनी ने प्रूफ करके दिखाई है सारी बातें। आप एक बार देखिए, ऐसे ही देश भर की हर जगह पे मेगा मेट्रो सिटीज के अंदर ऐसा ही इवन होने वाला है। अगर हम इसको आज अपना बेस्ट करने का, अपने अच्छे अच्छे लोगों को निकाल के अपने साथ ये बिजनेस में डेवलप करने के लिए अगर निर्णय नहीं लेंगे और काम नहीं करेंगे, आने वाला कल को पछताना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन वो पछताने से कोई फायदा नहीं रहेगा, हमें सीरियसली होकर के ये बिजनेस को स्ट्रांगली करने का निर्णय लेना चाहिए। क्या आप अचीवमेंट करना चाहते हो क्या? मैंने कभी भी अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश नहीं रखा था इस बिजनेस में, क्योंकि जरूरत भी अपने सपनों से बड़ा होकर खड़ा था सामने, एकदम से वो इम्पॉसिबल लगता था। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर यू, हर साल कम से कम अपनी पूरी फैमिली के साथ 5 to 10 countries आई यूज्ड टू विजिट। लास्ट ईयर माई समर वेकेशन आई स्पेंड मोर देन 1 month इन ऑल अक्रॉस US एंड कैनेडा। खास करके इस सिचुएशन में मुबीन मोहम्मद को US का वीसा लगना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। और मैं आपको बताऊं, वो वीसा का अप्रूवल ऐसे हुआ था, द इंटरव्यू पर्सन वाज आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग, आई टोल्ड आई एम डूइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विथ विच कंपनी, आई टोल्ड माई लाइफ स्किल कंपनी। वेबसाइट भी खोला और 2 मिनट भी नहीं लगा, अप्रूवल वीसा फॉर माई एंटायर फैमिली फॉर कमिंग 10 ईयर। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था कुछ भी नहीं था, आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अभी सलील सर ने बताया स्किल इंडिया है, एलिमेंट्स है, आयुष सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी आपके साथ कुछ भी अचीवमेंट नहीं रहेगा अगर आपके अंदर अचीवमेंट करने का जज्बा नहीं है, तो जिद नहीं है। सारी सिचुएशन अनुकूल होने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आप अनुकूल होना चाहिए। यू शुड हेल्प यू शुड एम्पावर यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एस इट इज योर ऑन बिजनेस। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ये इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। आई वॉन्ट 100 times बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आर यू रेडी? विथ दिस पावर वी कैन मेक माई लाइफ स्टाइल एज वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी। आने वाला 3 साल के अंदर मैं भी जब आपके सामने आएंगे ईश्वर की कृपा से, मैं आपके साथ उस समय ये शेयर करेगा, अभी मेरा मंथली इनकम 3 करोड़ प्लस है माई लाइफ स्टाइल से।
ये सिचुएशन दूर नहीं है एंड नो डाउट आई विल बी अ क्राउन एम्बेसडर दैट टाइम. I wish everybody grand success. Once again, thanks to the management and thanks to and I really appreciate all the achievements. You know, ने छोटी सी छोटी किसी achievement से लेके थाईलैंड बाकू जो भी achievement किया और आने वाले समय में आपको भी हर हफ्ते 2,10,000 लेते हुए नजर आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ क्या achieve करोगे. May God bless you all. जय हिंद, जय माला स्टेल.